बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में सेक्टर 10 के पोश एरिया में एक रिटायर्ड अफसर के घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिससे घर में 7 से 8 इंच का गड्ढा पड़ गया, खिड़कियों के शीशे टूट गए। 3 हमलावर ऑटो से आए थे और वारदात के बाद उसी ऑटो से भाग निकले। धमाके की सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस फोर्स घर में पहुंचकर जांच कर रही है। जांच के लिए मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। वहीं चंडीगढ़ पुलिस की टीमें हमलावरों की तलाश के लिए जुट गई हैं। घटना के बाद 2 संदिग्ध युवकों की तस्वीर भी सामने आई है। पुलिस टेरर और गैंगस्टर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके लिए कई इलाकों में दबिश दी जा रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि इस घटना के बाद से ही इलाके में चौकसी काफी बढ़ा दी गई है। आसपास के इलाकों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और पंजाब और हरियाणा में भी काफी चौकसी बढ़ाई हुई नजर आ रही है। सेक्टर 10 में कोठी पर ऑटो से आए कुछ लोगों ने ग्रेनेड फेंक कर हमला किया, जिसमें घर के शीशे चकनाचूर हो गए और शीशे टूट जाने की बात इसमें आसपास के घरों की भी सामने आ रही है। ਨੀ ਉਹ ਹਲੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਬਲਾਸਟ ਹੈਸ ਹੈਪਨਡ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੌਜ਼ ਆਫ ਬਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਦੀ ਟੀਮਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟੀਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਮੈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਠੀ ਨੰਬਰ 200575 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੋਪੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਲੱਗ ਜਾਗੇ।